ஆகவே இந்த பாவங்கள் அத்தனைக்கும் வருகின்ற தேர்தலே மக்கள் தக்க பாடம் புகட்டுவார்கள் என்று நான் உறுதியோடு சொல்கிறேன் சாத்தியோ डीएमके पार्टी की पॉलिटिक्स का मुख्य आधार है डिवाइड डिवाइड और डिवाइड। ये पार्टी देश के लोगों को भाषा के नाम पर लड़ाती है, क्षेत्र के नाम पर लड़ाती है, धर्म और जाति के नाम पर लड़ाती है। डीएमके को पता है कि जिस दिन लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स समझ गए, ये डीएमके को एक वोट नहीं मिलेगा, एक वोट। इसलिए ये लोग को आपस में लड़ाते हैं। मैंने भी ठान लिया है कि डीएमके की इस दशकों पुरानी खतरनाक पॉलिटिक्स को एक्सपोज करके ही रहूंगा। நண்பர்களே, திமுகவோட முக்கியமான அரசியல் குறிக்கோள் என்ன தெரியுமா? பிரித்து ஆளு, மக்களை பிரித்து வைக்க வேண்டும், மக்களை பிரித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். இது அவருடைய கொள்கையாக நோக்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த தமிழ்நாட்டுடைய மக்களை மொழியின் பெயராலே பிரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள், தமிழ்நாடு மக்களை பிராந்தியத்தை உணர்வின் பெயராலே பிரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள், அதே போல மதத்தின் பெயரால் பிரிவினை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், ஜாதியின் பெயராலே ஒருத்தருக்கு சண்டை போட்டுக் கொள்வதற்காக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய கட்சி இங்கே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனா ஒரு விஷயம் திமுகவுக்கு தெரியும், என்றைக்கு இந்த பிரித்தாளுகின்ற சூழ்ச்சி மக்களுக்கு தமிழக மக்களுக்கு புரிந்து கொள்கிறாரோ அன்றைக்கு அவங்க செல்லா காசு ஆகிடுவாங்கன்னு திமுகவுக்கு தெரியும். அதனால்தான் மக்களை உங்களுக்குள்ள நமக்குள்ள சண்டை மூட்டி சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தால் அவங்க அதுல குளிர்க நினைக்கிறாலும் இதை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு விஷயம் நான் உறுதியோடு சொல்லிக் கொள்கிறேன், திமுக இந்த 50 ஆண்டு காலமாக என்னவெல்லாம் இந்த ஊழல்களை ஒரு மோசமான ஆபத்தான அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கிறதோ அதை நான் தொடர்ந்து அம்பலப்படுத்துவதிலே நான் என்றைக்கும் உறுதியோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை நான் சொல்லிக் கொள்கின்றேன். காசி தமிழ் சங்கமம் ஹோ, सौराष्ट्र तमिल संगम हो, मेरा प्रयास होता है कि पूरा देश हमारी महान तमिल संस्कृति को जाने। और आज जब मैं वेलूर आया हूं तो मैं काशी का सांसद हूं, आप सबको कहता हूं आप काशी आइए, मैं निमंत्रण देने आया हूं। काशी तमिल संगमम को और शानदार बनाइए। दूसरा, मैं गुजरात में पैदा हुआ हूं, यहां भी गुजरात के बहुत परिवार रहते हैं, सैकड़ों परिवार हैं यहां हमारे कच्छ के। मैं आपको सौराष्ट्र तमिल संगम के लिए भी एक गुजराती के नाते निमंत्रण देता हूं। और जो यहां सौराष्ट्री तमिल है वो अपने गांव आए, अपने कुलदेव का को दर्शन करे, ये हमेशा मेरा आपको निमंत्रण है। मैं यूनाइटेड नेशंस में तमिल भाषा में बोलने का प्रयास करता हूं ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हमारी तमिल विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। मेरे इन प्रयासों के बीच डीएमके की सच्चाई क्या है? मैंने जब संसद में तमिलनाडु के गौरव पवित्र सेंगोल की भारत की पार्लियामेंट में स्थापना करवाई तो डीएमके पार्टी ने उसका भी बायकॉट किया था। काशी तमिल संगम अदे पर सौराष्ट्र था।
अरविंद केजरीवाल को राउज रेवेन्यू कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की 5 बार वकील से मिलने वाली याचिका को किया खारिज। ईडी ने केजरीवाल की याचिका का किया था विरोध। ईडी ने कहा वकीलों के जरिए सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। भ्रामक विज्ञापन के मामले को लेकर आयुष मंत्रालय ने दाखिल किया हलफनामा। हलफनामे में आयुष मंत्रालय ने पतंजलि के बयानों की आलोचना की। योग गुरु बाबा रामदेव का विपक्ष पर हमला। कहा हिंदू धर्म की अवहेलना करने वालों को राजनीतिक रूप से होगा बड़ा नुकसान। बाबा रामदेव ने नारा दिया आओ करें मतदान की चोट और मिटाएं लोकतंत्र के खोट। बढ़ते आगे आपको बता दें समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया और कहा कि बीजेपी झूठे मुकदमों में जनप्रतिनिधियों को भेज रही है जेल। कहा अगर मैं गुंडों का सरदार हूं तो बीजेपी प्रत्याशी उनके चेले। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का लालू यादव पर हमला। कहा जाति उन्माद फैलाना काम है लालू प्रसाद यादव का सिर्फ परिवार के लिए करते हैं काम। आरजेडी के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला का विवादित बयान। मीडिया के सवाल पूछने पर किया जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल। बीजेपी नेता आरपी सिंह का केजरीवाल पर हमला। कहा घोटाले की कंपनी के सीईओ अरविंद केजरीवाल गोवा के अंदर जो पैसा भेजा गया उसमें केजरीवाल का हाथ है। ईडी ने जो सबूत दिए वो काफी हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का बड़ा बयान आया सामने। कहा कि हम दिल्ली के लिए अलग से एक घोषणा पत्र लेकर आएंगे। कांग्रेस और आपके कार्यकर्ता एक दूसरे का करेंगे सहयोग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं अन्याय पत्र जारी किया। गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। कहा तेजस्वी यादव तुष्टीकरण के पोषक ये सनातनी होने का सिर्फ दिखावा करते हैं।